मध्य प्रदेश में किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन लगातार उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करता है। लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की रेणुका कृषि उपज मंडी में कृषक भोजनशाला पिछले एक वर्ष से बंद पड़ी हुई है, जिस कारण मंडी में आने वाले किसानों को भोजन के लिए परेशान होना पड़ता है। किसानों को बाहर से भोजन मंगवाना पड़ रहा है, जो किसानों को भोजन महंगा पड़ता है, और यदि किसान बाहर से भोजन करने जाते हैं तो उनकी फसल चोरी होने या इधर से उधर होने का डर बना रहता है। भोजनशाला की 4 साल पहले शुरुआत हुई थी, 1 साल से बंद पड़ी है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोकल 18 की टीम को किसान मुकेश इंगले ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी में चना, गेहूं और मक्के की आवक बढ़ गई है, जिससे रोजाना करीब 300 से 400 किसान मंडी में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कृषक भोजनालय बंद होने के कारण हमको भोजन करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पर भोजन महंगा मिलता है। यहाँ पर हमको 5 रुपये में पेट भरकर भोजन मिल जाता था, जिससे हमको आसानी होती थी। सुबह से मंडी में माल बेचने के लिए आते हैं, देर रात तक हमको भोजन भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि उपज चोरी होने का डर बना रहता है। मंडी के आसपास भोजनालय नहीं होने के कारण हमको बस स्टैंड क्षेत्र में भोजन करने जाना पड़ता है, जो कि मंडी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए हमें मंडी प्रशासन से भोजनशाला शुरू हो, इसकी मांग की है। जब मंडी सचिव हरेंद्र सिंह सिकरवार से कृषक भोजनालय को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आया हूँ, यह किसानों की समस्या सामने आई है, इसका जल्द ही निराकरण किया जाएगा। फसल लेकर आए और ये कृषक भोजनालय बंद होने से क्या परेशानी जा रही है? हम नसीराबाद से आए, गेहूँ लेकर आए हैं, और ये कृषक भोजनालय बंद होने से जैसे सभी किसान दूर दूर से आते हैं और सुबह से शाम हो जाती है, किसान को नाश्ते पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, और भोजनालय में क्या पहले 5 रुपये में खाना मिलता था, सभी लोग खाना खाते थे, सुविधा हो जाती थी। ये बंद होने से किसानों को काफी परेशानी होती है। अभी क्या आवक भी बढ़ गई है मंडी में? मंडी में अनाज पानी आ रहा है, रोज आवक बढ़ गई है, किसान आ रहे हैं सुबह से शाम तक रुक रहे, लेकिन किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अब क्या मांग करते हो आप? भोजनालय चालू होना चाहिए, किसानों के लिए अच्छा पानी व्यवस्थित सुविधाएं होना चाहिए। क्या नाम आपका? रूपेश इंगले। डवाली से। क्या लेकर आयो? मक्का। ये यहाँ पे जो कृषक भोजनालय है बंद होने के कारण क्या परेशानी जा रही है? किसानों की परेशानी यही हो रही, क्या खाने से दिक्कत हो रही, परेशान होना पड़ रहा है, सुबह से शाम हो जाती है माल बिकने तक। हाँ। फिर कैसे क्या भोजन करने जाते हो, क्या खाना पड़ता है आपको? कोई चाय पानी पीते, नाश्ता वगैरह करते भाई, बाहर जाके बाहर जाना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। यहाँ 5 रुपये मिल जाता था आसानी से। हाँ, पहले मिल जाता। अब क्या मांगे आपकी मंडी प्रशासन से? शुरू होना चाहिए। क्या नाम आपका? मंत्री। हम आए हैं ग्राम रेटा से आए हैं। क्या लेकर आयो? हम मक्का लेके आए भैया। ये कृषक भोजनालय बंद होने से क्या परेशानी आ रही है? हमको परेशानी हो रही है कि यहाँ हम दिन भर मंडी में लगा रहे ट्रैक्टर, यहाँ जगह नहीं है ट्रैक्टर लगाने के लिए, और यहाँ ना ड्राइवरों को खाना मिल पा रहा है, ना पानी मिल पा रहा है, पानी भी हमको बाहर से मंगाना पड़ रहा है, इतना पड़ रहा है, खाना भी बाहर से खरीद के लाना। कृषक भोजनालय आपका शुरू होना चाहिए और अच्छा भोजन मिलना चाहिए, कि कम से कम काश्तकार किसान दूर से आता है तो सामने वाले का पेट भरना चाहिए, एक दो रोटी उसको मिलना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सचिन अमोदे।